उधर नहीं लगाना, उधर नहीं लगाना, उधर नहीं, आराम से आराम से, कोई नहीं चला रहा, एक मिनट। तैनात किया हुआ है, क्या कुछ मांगों को लेकर के कांग्रेस का ये एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें? अभी 4-5 दिन पहले डार पाठक के पास एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। पुलिस प्रशासन 3 से 4 दिन तक जांच में ही बैठा रहा और दोषी फरार होकर घूमते रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी नहीं हुई जिसके कारण आज युवा कांग्रेस पूरे आक्रोश में है। निरंतर पूरे प्रदेश में दारू के धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं, आधे आधे किलोमीटर के दायरे में दारू भट्टी खोली जा रही है। आज एमपी को दारू प्रदेश बनाने का काम किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और निरंतर आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। शिवराज सिंह चौहान हमेशा बोलते हैं कि मैं साल भर में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, पर वो उनके आंकड़े के उठा कर देखा जाए तो साल भरे में 1000 युवाओं को भी वो रोजगार नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं विकास यात्रा? विकास यात्रा नहीं है, प्रशासन की यात्रा है। आज ये विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। आज ये भाजपा की विनाश यात्रा चालू हो गई है। पब्लिक इनसे जुड़ना नहीं चाहती है, इसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। बच्चे स्कूल के बच्चों को खाली करवा के उस विकास यात्रा में बिठाते हैं, और जहां इनका विरोध चालू होता है वहां से उल्टे पैर भागते नजर आ जाते हैं। जी, मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में क्या प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस? मांगे यदि पूरी नहीं हुई, आज हम युवक कांग्रेस के तत्वाधान में पूरे ब्लॉकों में शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक रहा है। यदि मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो सीएम हाउस का घेराव युवक कांग्रेस के तत्वाधान में किया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस से निकाल कर जूते चप्पलों की माला पहनाई जाएगी। हमारा छिंदवाड़ा जिला शांति के टापू के नाम से जाना जाता है, पर आज छिंदवाड़ा जिले में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है भाजपा की सरकार के रहते हुए, और अभी आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस कैसी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज वाटर कैनिन का उपयोग कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि ऐसी तरह चलते रहा तो हर घर से कमलनाथ जी निकलेंगे, हर घर से नकुलनाथ जी निकलेंगे, और ये जो लगातार भाजपा सरकार जो अत्याचार कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब हम घर घर से निकल के लगातार देंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं के मामले भी अभी बहुत देखने में आ रहे हैं, बच्चियों के साथ दुराचार के मामले देखने में आ रहे हैं, विपक्ष थोड़ा कहीं ना कहीं मौन नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? विपक्ष सरकार उनकी है, उन्हीं के लोग करा रहे हैं। आंदोलन में आपने देखा कि पुलिस प्रशासन कैसे सत्ता का दलाल बन के, ये इतनी निर्दयी घटना हमारे छिंदवाड़ा में हुई है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। यदि इतने एक्टिव ये पुलिस प्रशासन उस केस को लेकर हो जाता तो शायद ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ पे। छात्र संगठन के नेता हैं आप, बताइए अगर ये इस तरह की हिंसक घटनाएं बंद नहीं होती है तो क्या आगामी समय में हम पूरे कॉलेज बंद करके यूनिवर्सिटी में ताला डाल के और पूरे जिले भर में ऐसा होकर आंदोलन करेंगे कि उसकी सारी जवाबदारी शासन बिदर करने के लिए क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह का हिंसक प्रदर्शन है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरा खरीदा हुआ है, क्योंकि कल जब कमलनाथ जी का पुतला जला जा रहा था तो ये पुलिस प्रशासन गुमशुदा हो गई थी, ये एक भी पुलिस प्रशासन नहीं नजर आया था, और इन्होंने खुलम खुल्ला पुतला जलाने दिया। लेकिन आज जब एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया गया था और आज ये कांग्रेस परिवार, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस पूरी टीम यहाँ पर जब सामने आई, जबकि एक सत्य घटना के ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा था, तो भाजपा
पुलिस वालों को यहाँ पर भेज दिया और पानी की बरसात करके इसे रोका गया, लेकिन हम रुकने नहीं देंगे। मैं स्वयं एक महिला हूँ, मैं महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर लाठी चलाई गई, किसान है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दोषियों पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, किस तरह की? बिल्कुल, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन स्वयं आगे जाकर गिरफ्तार करे और उनका सहयोग ना किया जाए और दोनों को एक जैसी घटनाओं का 376 यानी 376 बताइए। अगर आंदोलन पूरा नहीं होता, आपकी मांगे पूरी होती तो क्या करेगी महिला? एक एक महिला अपने घर के सामने शिवराज सिंह और मोदी का पुतला जलाएगा, एक एक अनुसूचित पुतला जलाएगा, एक एक सेवादल पुतला जलाएगा। हमारे साथ ये कॉलेज की बच्चियां है, ये रेशमा खान अपनी टीम के साथ में एक एक बच्चियों के साथ में पुतला जलाएगी, क्योंकि ये बच्ची के साथ में एक दुराचार किया गया है। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ, मध्य प्रदेश शासन से मांग करती हूँ कि वो इन आरोपियों को स्वयं तुरंत फांसी की सजा दी जाए।